everyone, welcome to 5 Paisa. मैं हूं दिवांशी आशर एंड आज हम बात करेंगे एक और दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक के क्वार्टर 4 FY22 के रिजल्ट्स की। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स इस क्वार्टर में काफी मिले जुले रहे हैं। प्रॉफिट्स और असेट क्वालिटी मार्केट एस्टिमेशन से काफी बेहतर रहे हैं, लेकिन इस क्वार्टर में प्रोविजंस कम होने से प्रॉफिट्स 54% बढ़े। प्रॉफिट्स 2677 करोड़ से बढ़कर 4118 करोड़ पे आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 17% बढ़कर 8819 करोड़ पर रही है। इस क्वार्टर में असेट क्वालिटी की बात करें तो काफी इम्प्रूवमेंट देखने मिली है। ग्रॉस एनपीएस 3.17% से घटकर 2.82% पर रहे हैं। नेट एनपीएस भी 0.91% से घटकर 0.73% पे आए हैं। स्लिपेजेस भी इस क्वार्टर में काफी कम हुए हैं एंड दैट इज वन ऑफ द पॉजिटिव्स। अब कुछ और पॉजिटिव्स की बात करें तो इस क्वार्टर में लोन ग्रोथ 15% तक बढ़ी है और उसमें भी रिटेल लोन ग्रोथ 21% तक बढ़ी है। स्लिपेजेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4147 करोड़ से घटकर 3981 करोड़ पर रहे हैं। वॉचलिस्ट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% तक कम हुई है एंड इसके साथ ही एक्सिस बैंक ने इस बार 1.1 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स भी इश्यू किए हैं, जो काफी पॉजिटिव है। पर अब कुछ नेगेटिव फैक्टर्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि 3.53% से घटकर 3.49% पर रहे हैं, जो मार्केट को पसंद नहीं आया। एंड साथ ही इस बार जो प्रॉफिट्स को बूस्ट मिला है वो कम प्रोविजंस की वजह से मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत मजबूत नहीं रही है, जो मार्केट को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई है। एंड अब बात करते हैं ब्रोकरेजेस की, तो मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग दी है और टारगेट्स 910 तक के दिए हैं। साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका ने भी बाय रेटिंग के साथ 900 तक के टारगेट्स दिए हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स में क्या खास लगा। एंड अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही रिजल्ट एनालिसिस के लिए 5 पैसे को फॉलो करें।